हेलो दोस्तों, सब पीके डायरी में आपका फिर से स्वागत है एक नई मॉर्निंग के साथ अमृतसर की गलियों में। तो आप कल रात को मैंने आपको दिखाया था कि नाइट लाइफ कैसी होती है अमृतसर की। तो सुबह सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और अभी मैं निकल चुका हूँ। पहली डेस्टिनेशन मैं कवर करूँगा मोस्ट प्रोबेबली जो पार्टीशन म्यूज़ियम है। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो उसके याद में यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है। तो देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं एंड उसकी टाइमिंग एक्सप्लोर करते हैं, ये कितने बजे ओपन होता है। और काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, मैंने उसके रिव्यू सुने थे। तो चलिए, आप मेरे साथ फिर से एक बार पीके डायरी के साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 1 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सिटी साइटनिंग के लिए बस है और डबल डेकर बस है, तो अमृतसर में आप घूम सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी सही मौसम है और यही पार्टीशन म्यूज़ियम है। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं अमृतसर में क्या क्या है देखने के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल की पार्किंग है स्पेशली। और ये है हम आ चुके हैं पार्टीशन म्यूजियम में। काफ़ी जो कहते हैं ना कि जो आर्किटेक्चर है यहाँ का वो देखते ही बनता है। और अमृतसर में आपको एक खास बात ये मिलेगी कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो आर्किटेक्चर है वो लाल ईंटों से बना हुआ है, जिसका एक अलग ही लेवल का आर्किटेक्चर निखर के आता है। यहाँ पे खालसा कॉलेज है और ये पार्टीशन म्यूजियम है और ऐसी काफ़ी सारी आपको मोन्यूमेंट्स देखने को मिलेगी जो कि लाल बरंगे छोटे वाली ईंटों से बना हुआ होता है। तो चलिए आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि पार्टीशन म्यूजियम कैसा है, टाइमिंग क्या है, टिकट क्या है और आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुबह का टाइम है, मैं 8:30 बजे के आसपास ही आ गया हूँ। यहाँ पे भी मार्केट और शॉप्स ओपन होने ही लग रही हैं। तो चलिए अंदर जाके पता करते हैं कि क्या टाइमिंग है और कितने बजे हमें एंट्री मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरी इंडिया की जो पार्टीशन के टाइम पे हिस्ट्री थी, रियल आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे और जब इंडिया पाकिस्तान से जो अपने लोग थे वो इंडिया आ रहे थे तो उनको क्या क्या तकलीफें देखने को मिली थी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। म्यूज़ियम की टाइमिंग 10 बजे है तो मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ। बाद में आते हैं, टिकट लेते हैं। और यहाँ पे आपको ऑडियो गाइड टूर भी मिलेगा, वो आप ले सकते हो। तो कुछ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये उस टाइम का अमृतसर है जब 1947 के टाइम पे कैसा था, लोग कैसे थे, यहाँ पे रहना सहना कैसा था, तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई गई हैं जो आप देख सकते हो। और ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए म्यूज़ियम ना सही बट इस आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करते हैं अभी। और काफ़ी सुंदर और बड़े बड़े झूमर इस पूरी वरांडे में लगे हुए हैं, कॉरिडोर हम बोलते हैं, और ठंडा है काफ़ी। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का, आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो जब अगर आप अमृतसर आते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सुबह सुबह एक्सप्लोर करके टाइम निकाल के। तो अगर आप अमृतसर आते हो तो होटल में बैठ के टाइम वेस्ट करने का बेटर है कि आप स्ट्रीट पे निकलो, घूमो और एक्सप्लोर करो अमृतसर का ऑथेंटिक जो एरिया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ओपन मार्केट और रेस्टोरेंट टाइप भी सब कुछ मिलेंगे। अभी तो अर्ली मॉर्निंग है तो सब कुछ बंद है, बट जब शाम को खुलता है और यहाँ पे लोग आते हैं तो पूरा एक अच्छा डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है ये एरिया। ये पार्टीशन म्यूजियम के साइड में ही आपको ये गुरुद्वारा मिलेगा, गुरु संतोख साहिब गुरुद्वारा। और इसके आगे जाके आपका गोल्डन टेम्पल आएगा और ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रीट मार्केट है। यहाँ पे देखो कि पूरा साफ सुथरा है अमृतसर और सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे आइए, पूरी स्ट्रीट एक्सप्लोर करिए और यहाँ का जो एक आर्किटेक्चर है वो आपको दिल खुश कर देगा। पे आपको काफ़ी फेमस ढाबे मिलेंगे, ब्रदर्स ढाबा और जो अपरावादा ढाबा है, मतलब ब्रदर्स को पंजाबी में हम भ्रा बोलते हैं तो इसलिए उसको भ्रावादा ढाबा लिखा हुआ है। तो ये सारा जो कलर है वो भी एक कलर में होके काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये देखिए कितना सामने कितना अच्छा सीन है यहाँ पे। तो ये सारा पेडिस्ट्रेनियन एरिया है यहाँ पे
टू व्हीलर और फोर व्हीलर इस साइड अलाउड है, ये सारा यहाँ पे पैदल स्ट्रीट वॉक की तरह है, तो आप आइए जरूर। आपको काफी सुकून मिलेगा इस एरिया में घूम के, और सुबह सुबह है, हल्की सी धूप है, भीड़ भी इतनी ज्यादा नहीं है। शाम के टाइम यही एरिया आपको पूरा क्राउडेड मिलेगा। हमने कल रात को आपको नाइट लाइफ दिखाई थी अमृतसर की, तो वीकेंड होने की वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे फुटफॉल सबसे ज्यादा होता है। कल आपने गोल्डन टेम्पल में देखा था कितना ज्यादा क्राउड था, तो वीकेंड पे लोग जनरली आना प्रेफर करते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के तो लोग आते ही हैं, और ऑल ओवर इंडिया से लोग अमृतसर घूमने आते हैं, और वीकेंड पे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको अच्छा क्राउड इजीली देखने को मिलेगा। तो मेरे सामने डॉक्टर साहब अंबेडकर की बड़ी सी स्टैचू है, और ये कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ पे आप खड़े होके अगर अपने आपको देखते हो। तो 600 मीटर गोल्डन टेम्पल यही रास्ता आपको जाएगा, सामने आपको महाराजा रणजीत सिंह का काफी बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको रात वाली वीडियो में भी दिखाया था। और यहीं से लेके आप मेन मार्केट में एंटर करोगे और पूरा एक्सप्लोर करते हुए सामने की तरफ आपको जलियांवाला बाग मिलेगा, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आप गोल्डन टेम्पल में जा सकते हो। तो चलिए आपको दिन वाला अमृतसर सुबह सुबह एक अच्छी धूप के साथ कैसा होता है वो पी के डायरी के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ एक्सप्लोर। साहिब की मार्केट एक्सप्लोर कराते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो अमृतसर का फेमस फुलकारी सूट यहाँ पे आपको भरमार मिलेगी, स्ट्रीट फूड से लेके सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। आप आइए एक्सप्लोर करिए और देखिए। और इस टाइम तो आपको क्राउड काफी दिखेगा, बट जो जैसे जैसे शाम होएगी, सूरज ढलेगा, तो यही क्राउड आपको ऑलमोस्ट डबल देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी सुबह सुबह लोग, धूप भी होती है, बट जो लोगों का आना जाना है वो रुकता नहीं है। तो यही चीज मैंने आपको रात नाइट लाइफ में कवर करके दिखाई थी। अभी पूरी मार्केट ओपन नहीं हुई है, धीरे धीरे मार्केट ओपन होती है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। को फॉलो करते हुए आपको सामने जो दिख रहा है वो आपका जलियांवाला बाग है। उसकी टाइमिंग देखते हैं वो कितने बजे ओपन होता है, बट सुकून आपको काफी ज्यादा मिलेगा यहाँ पे आके। कल रात हमने यहाँ से शॉपिंग करी थी मम्मी के लिए, और पूरा हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट मैं दोबारा से आया हूँ सुबह कैसा दिखता है ये देखने के लिए। तो आप यहाँ से ऐसे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट श्री गोल्डन टेम्पल के लेके जा सकते हो, और काफी आपको वुडन और ऐसे आर्टिफैक्ट अगर पंजाब से आपका प्यार है तो यहाँ से खरीद के अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हो। तो ऐसी शॉप्स यहाँ पे काफी ज्यादा मिलेगी स्ट्रीट मार्केट के लिए, आप एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और यहाँ से आप अपनी अगर ट्रैवल वोल्वो बुक कराना चाहते हो हर जगह की, वो भी हो जाएगा। और यहाँ से ये सीधा देखो आपको दिख रहा है वो श्री हरमंदर गुरु गोविंद साहिब जी गोल्डन टेंपल का गेट है, और ये आर्टिफैक्ट काफी सुंदर बनाया हुआ है उन शहीदों की याद में, और जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर के थ्रू इस एक मार्मिक हत्याकांड में शहीद हुए थे। अब इसकी टाइमिंग देखते हैं कितने बजे ये ओपन होता है। तो लोग अंदर जा रहे हैं और हम भी चलते हैं एक्सप्लोर करने, और देखते हैं कि उस याद को जो उस टाइम घटी थी और लोगों पे क्या बीती थी वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। एक छोटी सी गली आपको लेके जाएगी अंदर, और उनकी याद में यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है। और वो जो आप सामने देख रहे हो शहीद उधम सिंह जी है, और उन्हीं के शहर से मैं हूँ, सुनाम से। यही वो शहीद उधम सिंह थे जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाके उनका बदला लिया था।
और ये गली आपको लेके जाएगी उन यादों में जो किसी टाइम पे बहुत भयानक थी, बट यही एक देश की हिस्ट्री होती है कि आप पे जो बीता है उसको अच्छे से संजो के रखिए, और ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि आपके लोगों पे भी क्या सितम हुए थे। तो ऐसे म्यूज़ियम हर जगह होते हैं और ये वाला म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे जो म्यूज़ियम बना था, वो 10 बजे खुलता है तो इसलिए अभी वो ओपन नहीं है, तो मैं जलियांवाला बाग कवर करने आ गया हूँ। আরে অত পিছিয়ে থাকলে হবে ये वो कुआ है जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूदे थे, और काफ़ी भयावह मंजर था उस टाइम पे, क्योंकि इस पूरे एरिया में लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हुए थे और यहाँ से एग्जिट के लिए ओनली एक गली थी जिस गली से हम एंट्री करके आए। तो जनरल डायर ने बिना नोटिफिकेशन दिए लोगों पे डायरेक्ट यहाँ पे वो रास्ता बंद करके, और उस टाइम पे इस कॉरिडोर की काफ़ी ऊंची दीवारें थी तो एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था, बिना उनको चेताए उन पे डायरेक्ट गोलियां बरसा दी थी, जिसमें यहाँ पे हजारों लोगों की तादाद में लोगों का कत्लेआम किया गया था। तो उससे बचने के लिए लोगों ने इस कुएं में, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये कुआं पूरा भर गया था लोग बोलते हैं, तो ऐसा भयावह मंजर था। तो उसकी याद में ये पूरा जलियांवाला बाग डेडिकेटेड है, तो जो भी पंजाबी और जो भी हिंदुस्तानी यहाँ पे आता है तो वो उस याद को दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है कि कैसा मंजर रहा होगा उस टाइम पे। चलिए अब आपको वो दीवारें दिखाते हैं जहाँ पे गोलियों के निशान अभी भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हो। जो ये वाइट पैचेस आपको दीवारों पे मिलेंगे ये वही दीवारें हैं जब वहाँ पे उस टाइम के गोलियां शूट हुई थी, बुलेट मार्क्स हम बोलते हैं इसे। तो ये बिल्डिंग उस टाइम से लेके अभी तक इनको बिल्कुल इंटैक्ट रखा गया है, और ये जो मार्क्स है आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे निशान उनके हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये शहीदी स्मारक उन सब लोगों की याद में यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए जलियांवाला बाग मैंने आपके लिए कवर कर दिया है, अब चलते हैं किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे, किसी दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने। तो
इसलिए हमें यहाँ पे, तो इन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, मैंने बताया पीके डायरी, तो भाई जी बहुत खुश हुए, स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि इनकी भी वीडियो डाले। आप पहली बार आए अमृतसर? आप कहाँ से? अच्छा आप तो आप पहली बार आए हो? मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, सत श्री अकाल। ਨਾਨ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਪਰੌਂਠਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨ ਦੀ ਦੇ ਦੋ 2 ਪਲੇਟ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਟੋ ਦੇ। 1 ਪਲੇਟ। 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਆਲੂ ਥੋੜੇ ਜਾਇ ਭਾਇਓ। दोस्तों अमृतसर की कुलचों की यही खासियत होती है, बिल्कुल करारे खस्ते, और जब टेस्ट होता है ना वो अलग ही बात होती है। तो मैंने अपने लिए एक आलू प्याज का कुलचा मंगाया छोलों के साथ, और यहाँ की जो चटनी होती है उसका क्या ही कहने, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रंची, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप अमृतसर आते तो यहाँ के कुलचे ज़रूर ट्राई करिए। चलो मैं अपना फ्रिश करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ दूसरी डेस्टिनेशन में। थैंक यू।